दोस्तों, दुनिया भर में लगभग कॉकरोचों की 4,500 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से सिर्फ 30 स्पीशीज ही हमारे आसपास रहती है। कॉकरोच हमारे धरती में 12 करोड़ साल पहले यानी कि डायनासोर के पहले से रह रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे स्पीशीज के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्काई ब्लू कॉकरोच। ये कॉकरोच इंसानी आबादी से दूर ब्राजील, अमेजोन और कोलंबिया के जंगलों में पाए जाते हैं। ये अपने रंगों के वजह से छिपकली और मकड़ियों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। ये कॉकरोच 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ग्रीन कॉकरोच। ये कॉकरोच अमेजोन के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्राजील में भी देखने को मिलते हैं। ये कॉकरोच पेड़ों की पत्तियों में रहना पसंद करते हैं। खतरे के टाइम में ये कॉकरोच अपने ग्रुप भी बना लेते हैं ताकि ये सेफ रह सके। ब्लू कॉकरोच। ये कॉकरोच देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और ये काफी कम देखने को मिलते हैं। ये कॉकरोच अफ्रीका के देश कांगो और कैमरून में पाए जाते हैं। ये कॉकरोच 1 से 1.5 इंच तक लंबे होते हैं। रेड कॉकरोच। इस कॉकरोच को देखकर ऐसा लगता है कि ये जानवरों का खून पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉकरोच न्यू मैक्सिको और एरिजोना के बिहार इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये मरे हुए कीड़े और पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। येलो कॉकरोच। ये कॉकरोच इंसानी आबादी से दूर रहते हैं। इनका जीवन काल 1 साल का होता है। ये बेहद ठंडे टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। ये कॉकरोच 2 मीटर/सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये कॉकरोच नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में पाए जाते हैं। व्हाइट कॉकरोच। ये कॉकरोच जंगलों के गुफाओं और बर्फीले जगहों पर पाए जाते हैं। ये कॉकरोच 40 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ये कॉकरोच 1 महीने तक बिना खाए रह सकते हैं और 2 हफ्तों तक प्यासे रह सकते हैं। ये कॉकरोच आइसलैंड और अलास्का के सर्द जगहों पर पाए जाते हैं।